गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। हमने कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़े थे नेचुरल बैरियर और इंट्रायूटराइन डिवाइस यानी कि IUD। आज हम पढ़ेंगे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पिल्स के रूप में कंट्रासेप्टिव्स कैसे यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स के बारे में। तो ओपन पेज 61 और पहला जो टॉपिक है वो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मेथड यानी कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है ओरल यानी कि जो मुंह के रास्ते लिए जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है उस चीज को लेना, है ना। और मुंह के रास्ते में क्या लेते हैं? पिल्स यानी कि टेबलेट्स। इन टेबलेट्स में कॉम्बिनेशन होता है दो हॉर्मोन्स का, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन अकेला भी हो सकता है और एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। करता क्या है ये सर्वाइकल सर्विक्स के म्यूकस के साथ इंटरफेयर करेगा। ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा। अगर ओवुलेशन हो गया है तो उसके फर्टिलाइजेशन को रोकेगा, यानी कि किसी भी तरह से ये फर्टिलाइजेशन को होने से और इम्प्लांटेशन होने से रोकेगा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा करके। तो यहां मैं इसके नोट्स लिख रहा हूं, कंटेन्स कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन के साथ के एस्ट्रोजन के बिना ये कॉम्बिनेशन होते हैं। करते क्या है? इंटरफेयर विद ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड क्वालिटी क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस समय प्रेगनेंसी हो जाती है यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है, उस समय सर्विक्स की जो ओपनिंग है वहाँ पर म्यूकस का एक प्लग लग जाता है, यानी वो म्यूकस से बंद हो जाती है। उसका फंक्शन यह होता है कि वो प्रेगनेंसी को सेफ गार्ड यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, तो बाहर से कोई चीज़ अंदर ना एंटर करने पाए या प्रेगनेंसी हमारी किसी कारण से खत्म ना हो जाए तो वो जो सील होती है एक तरह से वो ये काम करती है। लेकिन अगर इन चीज़ों के साथ इंटरफेयर करेंगे हॉर्मोन्स तो क्या होगा? प्रेगनेंसी अगर या तो होगी नहीं इन सब कारणों से, और होगी तो क्या हो जाएगी? मेंटेन नहीं रह पाएगी। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस दिए। ये एडवांटेज ये हैं कि इजी टू यूज़ होती है, फीमेल्स आराम से परचेज कर सकती है, साइड इफेक्ट्स इनके कम होते हैं। तो ये इनके तीन एडवांटेज हैं, इजी टू यूज़, ठीक है, नो साइड इफेक्ट्स एंड ईजीली अवेलेबल। अच्छा, अब देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं। एक जहाँ पर लिखा है इन्होंने पिल्स के अगली लाइन में लिखा है पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। लगभग 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें 21 डेज लेना है। बाकी जो 7 दिन हैं वो कौन से दिन हैं? जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू हो रही है, यानी कि जिसमें जिसे हम कहते हैं पीरियड्स हो रहे हैं, तो उन 7 दिनों में नहीं लेना, उसके अलावा बाकी सब दिन में लेना। उसके अलावा जब जैसे ही हम ये चाहते हैं कंसीव करना तो उस दौरान हम इन पिल्स को लेना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हर रोज एक पिल लेनी, ठीक है। लेकिन कुछ आजकल पिल्स ऐसी भी आ गई हैं जो क्या करती हैं, जो हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होती है। जैसे कि सहेली, जिसके बारे में पहले भी आया था कि वो CDRI ने डेवलप की थी, तो सहेली का चूंकि यहाँ दोबारा है तो ये ध्यान रखना कि सहेली के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसके एडवांटेज क्या है, इसको किसने डेवलप किया। डेवलप किया CDRI लखनऊ ने, और इसकी एडवांटेज ये है कि इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेने से ही काम चल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा है सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, है ना, यानी कि नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन। इट इज वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू।
हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि जिस काम के लिए पिल खाई जा रही है उस काम को ही 100% करती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने क्या दिया, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स के माध्यम से। देखो अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा है कि कंट्रासेप्शन करने के मेथड ये हैं कि या तो यूटरस में इम्प्लांट कर दिया जाए, या फिर पिल्स के थ्रू हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन खा लिए जाएँ, या फिर हार्मोन्स के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम अपनी स्किन के नीचे इम्प्लांट भी करवा सकते हैं, जहाँ वो हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होकर ब्लड फ्लो में मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेथड ये हो सकता है कि उन हार्मोन्स के हम इंजेक्शंस लगवा लें जिसको हम पिल के माध्यम से खा रहे थे। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ बताई है, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स को भी यूज़ किया जा सकता है, ये पिल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। लगभग 72 आवर्स तक की ये प्रोटेक्शन दे दी, 72 आवर्स की प्रोटेक्शन कौन देता है, पिल्स और इम्प्लांट्स, सॉरी इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। इस प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी कि क्वार्टर्स के 72 आवर्स के बाद आप ये इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स लगवा लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी कि आप कंसीव नहीं करेंगे। तो ये इनकी लास्ट लाइन में लिखा है कि हैव बीन फाउंड टू वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एज दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। तो ऐसे केस में जबकि किसी कारण से प्रोटेक्शन नहीं यूज कर पाए, है ना, या फिर रेप वाला केस है जिसमें कि रेप की जो विक्टिम है उसको बाद में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उस केस में ये बहुत इफेक्टिव है ना। तो ये सारी चीज़ें अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए की जा सकती है। इसके बाद आता है लास्ट मेथड जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। अभी तक हमने जो जो मेथड्स पढ़े वो सब रिवर्सिबल हैं, यानी कि उनको अगर डिसकंटिन्यू किया जाए यानी रोका जाए तो हम फिर से कंसीव कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी आ सकती है। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो कि रिवर्सिबल है, इसलिए इसको टर्मिनल भी कहा जाता है। इसके बाद कोई चांस नहीं है रिवर्स होने का, यानी कि इसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उसको पॉसिबल करना है तो फिर से सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर से आपने जो वॉस डेफरेंस या फिर फेलोपियन ट्यूब्स कट करवाई थी और टाई कराई थी उनको ओपन करवा के फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेल्स के केस में वॉस डेफरेंस नाम की जो स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म्स को कैरी करता है आगे, इसको क्या कर दिया जाता है, जिस वजह से स्पर्म्स का जो मूवमेंट होता है वो हो जाता है पानी। फीमेल्स के केस में इस प्रोसेस को कहते हैं कट किया जाता है, इसीलिए ट्यूब से हो गया ट्यूबेक्टॉमी। तो इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में इंसिजन लगाया जाएगा, इंसिजन यानी कि कट लगाया जाएगा और एक सर्जरी छोटी सी की जाएगी, इसको हिंदी में नसबंदी कहते हैं। और अब देखो इसमें कर क्या रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया 4.4 ए और बी, ए में क्या दिखा है कि वॉस डेफरेंस को टाई और कट के टाई किया गया है, और ट्यूबेक्टॉमी के केस में फेलोपियन ट्यूब्स को कट किया गया और टाई किया गया। उससे होता ही है कि गैमिट्स का मूवमेंट नहीं हो पाता, और गैमिट्स का मूवमेंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आगे चल के फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लास्ट वाले पैराग्राफ पे, देखो पेज 62 लास्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया कि ये सारे जो प्रोसेस हैं जितने भी अभी तक हमने कंट्रासेप्शन के पढ़े हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस यानी कि रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, है ना, प्रेगनेंसी, इन सब के अगेंस्ट हैं। तो जो चीज़ नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट होती है वो थोड़ी सक्सेस रेट उसकी मुश्किल होती है। तो ये सारे प्रोसेस, हालांकि इनकी सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, लेकिन ये फेल भी हो सकते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो
इनका उपयोग करते समय एक मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह जरूर लेनी चाहिए, और इसके अलावा इनको इनको उपयोग करने में साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि तुम लास्ट लाइन में देखो, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नौशिया, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, इसके अलावा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। तो कुछ लोगों के अंदर इस तरह के सिम्टम्स भी देखने में आ सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमएस इन टेक्निक्स और कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो हम ये लिखेंगे, ठीक है। नौशिया का मतलब होता है दम घुटना। इसके अलावा बाकी चीज़ों के तो मतलब तुम्हें पता ही है, जैसे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब है कंटिन्यूस ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब जितने दिन ब्लीडिंग होनी चाहिए उतने दिन ना होना, उससे कम या ज़्यादा होना, उसे कहेंगे। और ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर। अब आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, आज का हमारा दूसरा टॉपिक, MTP जिसे कहते हैं। MTP की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस टॉपिक में एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये कब से होती है। पहले हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी कि खत्म करना मेडिकल तरीके से, उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किस तरीके से होती है? ड्रग्स एंड मेडिसिन के माध्यम से होती है। पहले 3 महीनों में होती है यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले 12 वीक्स भी बोल सकते हैं, 3 महीनों में 12 वीक ही होते हैं, तो उस दौरान करना ही सेफ होता है, उस दौरान डॉक्टर्स करते हैं। और ये डॉक्टर तब करते हैं जब वो देखते हैं कि प्रेगनेंसी में किसी कारण से कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रेगनेंसी के कारण मदर या चाइल्ड की जान को खतरा है, है ना, चाइल्ड में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटीज हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या कोई डिजीज है, इस वजह से भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर वो प्रेगनेंसी किसी कारण के ऐसे इंटरकोर्स की वजह से हुई है जो कि किसी तरह का क्राइम था, जैसे कि रेप के केस में होता है, या फिर ऐसे केस में भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स प्रोटेक्शन लेना भूल गए थे या प्रोटेक्शन जो थी वो फेल हो गई, तो उस केस में भी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, तो उसलिए टेक्निक बनाई गई। अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग कानून बनाए गए। कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मतलब एक लाइफ को खत्म करना है, ठीक है। अब इसको लेके देखो, इसमें लिखा है 1971 में इंडिया में MTP को लीगलाइज किया गया, यानी कि इसको लेके कानून बनाया गया कि किस समय टर्मिनेट की जा सकती है और किन परिस्थितियों में की जा सकती है। इन परिस्थितियों के अलावा अगर किया जाएगा तो वो कानूनन अपराध। तो लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तब जबकि उन्हें पता चलता है कि फीटस एक फीमेल है, है ना, और तब उसको टर्मिनेट करते हैं, जिसको फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, तो वो कानूनन अपराध है, उसके लिए कानून बन चुका है। तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको डॉक्टर्स करते हैं और इसके अलावा ये अनसेफ है ना। एमनियोसिंथेसिस से जेंडर पता लगा लिया, उसके बाद टर्मिनेट करा लिया, वो इलीगल भी है और वो अनसेफ भी है, मदर की लाइफ के लिए भी और बच्चे के लाइफ के लिए। अच्छा, इसके बाद अगली बात इम्पोर्टेंट ये है कि पुराने समय में ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी था ये तो अनट्रेंड लोग कराते थे। जैसे कि लास्ट पैराग्राफ में देखो, लास्ट पैराग्राफ के सेकंड थर्ड लाइन है, वन डिस्टर्बिंग ऑब्जर्व ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट मेजोरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। क्वैक्स कहते हैं दाई को। पुराने समय में घरों में जो आती थी वो डिलीवरी कराने, उसको दाई कहते थे, इंग्लिश में क्वैक्स कहते थे, है ना, अनट्रेंड होती थी, और इसीलिए इनके द्वारा ये सब काम कराना क्या है,
जान को खतरा भी हो सकता है, ना सिर्फ बच्चे की बल्कि जच्चा की। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखो लास्ट लाइन में लिखा है, इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन इलीगल अबॉर्शंस एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ट्रिगर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। अब ये जो प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है, ये जिन वजहों से होती हैं उनको अगर रोका जाए तो फिर ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी प्रेगनेंसी होती है, देखो इन्होंने शुरू में ही लिखा है कि नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये बुक कितनी एडिशन पुरानी है, तो आज की डेट में ये संख्या और बढ़ चुकी होगी। पूरी दुनिया में 45 से 50 मिलियन MTPs हर साल परफॉर्म होती है, यानी कि इतनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर दी जाती है, जिसको अबॉर्शन कहते हैं, तो जो कि कुल प्रेगनेंसी का लगभग 20% है। तो इसीलिए इसको सावधानी से उपयोग करना चाहिए। इससे हालांकि हम ये भी सोच सकते हैं कि इससे एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं था। इसका उद्देश्य ये था कि कॉम्प्लिकेशंस वाली और जो हार्मफुल प्रेगनेंसीज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि ना तो ऐसे बच्चे पैदा हों जो कि एबनॉर्मेलिटीज वाले हैं, है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, किसी और जेनेटिक बीमारी से ग्रस्त, या फिर ऐसे जिनका जन्म लेना या बढ़ना माँ की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो MTP के बाद अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इनफर्टिलिटी बढ़ाए बचाए चैप्टर में ये हम करेंगे कल। थैंक यू।